यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी गुंजन पाठ 6, अपना स्थान स्वयं बनाएं। इस पाठ में क्या कहा गया है? इस पाठ में हमें बताया गया है कि अगर हमें अपना स्थान बनाना है तो उसके लिए हमें स्वयं कोशिश करनी होगी। यानी कि अगर हमने अपने गुडविल समाज में बनानी है, अपने परिवार में बनानी है, अपने प्रोफेशन में बनानी है, तो उसके लिए हमें अपना स्थान स्वयं बनाना पड़ेगा, ना कि किसी और की हेल्प से, किसी और की मदद से। इस पाठ के माध्यम से हमें यह बताया गया है कि यदि हम परिश्रम, ईमानदारी और अपने कर्तव्य के साथ अपने कार्य को पूरा करते हैं तो हम अपना स्थान स्वयं बना सकते हैं। इस पाठ के माध्यम से हमें समझाया गया है कि यदि हमें अपना स्थान बनाना है तो उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी, अपने काम के प्रति कर्तव्य पालन करना होगा और ईमानदारी से उस कार्य को करना पड़ेगा, तभी हमें समाज में मान और सम्मान मिलता है और हम अपना स्थान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं बातों बातों में। आपको कौन कौन से काम स्वयं करने अच्छे लगते हैं और क्यों? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे इस पाठ के बाद पूछूंगी बेटा, ओके? क्योंकि सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, सबका अलग अलग है कि वो कौन कौन से काम स्वयं करना चाहता है, स्वयं मतलब अपने आप करना चाहता है और क्यों करना चाहता है। तो सभी के अलग अलग कार्य होते हैं ना, तो मैं इस चैप्टर के अंत में आपसे पूछूंगी कि आप सबके कौन कौन से कार्य हैं जो आपको अच्छे लगते हैं और आप स्वयं करना चाहते हो। आइए अब हम पाठ आरम्भ करते हैं। परिश्रम, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा ऐसे गुण हैं जो व्यक्ति को समाज में मान सम्मान दिलाते हैं। इस कहानी में भी एक युवक मेहनत, कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से निजी कार्यालय के चपरासी के पद से राज्य के प्रधानमंत्री पद पर पहुंच जाता है। निजी क्या होता है? अपने, यानी कि जैसे किसी पर्सनल प्राइवेट काम कर रहा होता है किसी प्राइवेट ऑफिस में। तो इस पाठ के माध्यम से हमें क्या बताया गया है कि एक युवक है जिसने अपनी मेहनत, अपने कर्तव्य निष्ठा और अपनी ईमानदारी से वो किसी कार्यालय में, मतलब किसी ऑफिस में, प्राइवेट ऑफिस में चपरासी यानी कि पीएन की पोस्ट पर था, यानी कि पीएन की जॉब कर रहा था और अपनी मेहनत, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से वो अपने राज्य यानी कि अपने स्टेट के प्रधानमंत्री पद पर पहुंच जाता है। यानी कि उसे इतनी उसके काम की तारीफ होती है कि जो राजा होता है उसे अपने राज्य का प्रधानमंत्री बना देता है। आइए पाठ के माध्यम से जानते हैं कैसे वो एक निजी कार्यालय के चपरासी से राज्य के प्रधानमंत्री पद पर पहुंचा। एक समय की बात है, एक बादशाह ने अपने मंत्री से कहा, मुझे एक निजी सहायक की जरूरत है, आपकी दृष्टि में कोई हो तो ले आए, पर इतना ध्यान रखें कि आदमी अच्छा हो। अब राजा अपने एक मंत्री से क्या कहता है? कहता है कि मुझे एक अपना पर्सनल हेल्पर चाहिए, ठीक है, और ऐसा हेल्पर चाहिए जो ईमानदार हो, कर्तव्य निष्ठापूर्ण हो। वो कहता है कि आपकी दृष्टि में जो अच्छा इंसान लगे तुम उसे ले आना। बहुत दिनों की जांच पड़ताल के बाद मंत्री को एक आदमी सही लगा, यानी कि उस जो मंत्री था वो बहुत दिनों से खोजबीन कर रहा था किसकी,
प्रधानमंत्री के निजी सहायक के लिए, राजा के निजी सहायक के लिए, यानी कि प्रधानमंत्री पद के लिए। तो बहुत दिनों तक वो ढूंढता रहता है, तो उसे कुछ समय के पश्चात एक इंसान मिलता है, एक आदमी मिलता है जो उसे थोड़ा सही लगता है, ठीक लगता है। मंत्री ने उसकी नौकरी छुड़वा दी और उन्नति का आश्वासन दे बादशाह के सामने पेश किया। अब उस मंत्री ने क्या किया बच्चों, वो जो निजी कार्यालय में चपरासी की पद पर था, उसने मंत्री ने उसकी जो नौकरी थी वो छुड़वा दी थी और उसे आश्वासन यानी कि उसे विश्वास दिलाया कि तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें ऐसा पद दिलवाऊंगा जिससे तुम्हें उन्नति मिलेगी। और उसने ऐसा उसे कहा और उसको बादशाह के सामने पेश किया, यानी कि वो राजा के सामने उसको ले आया। बहुत देर तक तो बादशाह को अपनी बात याद ही ना आई। बाद में बोले, हाँ उस समय शायद कोई बात मन में थी, पर अब तो कोई बात नहीं है। अब राजा क्या करते हैं बच्चों, जब वो मंत्री उस व्यक्ति को लेकर राजा के सामने पेश होता है तो राजा ये भूल जाते हैं कि उन्होंने कभी मंत्री को बोला था कि उन्हें निजी सहायक चाहिए। तो जब मंत्री राजा को वो बात याद दिलाता है तो राजा को वो बात याद आ जाती है और वो कहता है, हाँ किसी समय मुझे जरूरत थी लेकिन इस समय अभी नहीं है। मंत्री महाराज से कहता है, हुजूर मैंने इसे हजारों में से छांटा है और इसकी बढ़िया नौकरी छुड़वा कर लाया हूँ। अब मंत्री को भी चिंता तो हो गई थी बच्चों, क्योंकि उसने जो है उस चपरासी की नौकरी छुड़वा दी थी। अब उसे ये था कि अगर राजा ने भी इसे अपने यहाँ निजी सहायक नहीं रखा तो उसकी इंसल्ट हो जाएगी और वो अपमानित हो जाएगा। तो वो राजा से क्या कहता है कि मैंने इसे हजारों में से छांटा है। कहते हैं मैंने बहुत से लोगों को देखा लेकिन उनमें से मैंने इस एक को छांटा है और इसको जो छांट कर लाया हूँ इसकी नौकरी भी बहुत अच्छी थी और मैं इसे छुड़वा कर लाया हूँ, यानी कि मैंने इससे वो नौकरी छुड़वा ली है। बादशाह ने जरा सोचा, कहा हमारे पास तो इस समय कोई काम नहीं है, पर तुम बहुत कह रहे हो तो हम अपने निजी कार्यालय में चपरासी रख सकते हैं, वेतन 15 रुपए मिलेगा। अब क्या हुआ बच्चों, जब बादशाह को उसने मंत्री ने कहा कि ये जो व्यक्ति है इसको मैं हजारों में से छांट कर लाया हूँ और इसकी बहुत बढ़िया नौकरी थी और मैंने इसकी नौकरी जो है वो छुड़वा दी है, तो राजा उसके बहुत कहने पर सोच विचार करता है और उसको कहता है कि मेरे पास काम तो नहीं है इस समय लेकिन तुम ज़्यादा कह रहे हो तो मैं इसको अपने कार्यालय में चपरासी रख लेता हूँ, क्योंकि वो व्यक्ति तो बेचारा पहले भी चपरासी था, उसको फिर से चपरासी की पोस्ट मिल गई लेकिन इसको वेतन 15 रुपए मिलेगा, यानी कि 15 रुपीज इसको सैलरी मिलेगी। मंत्री को बुरा लगा, पर इस युवक ने कहा मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन यह है कि मुझे अपने बादशाह की सेवा करने का मौका मिलेगा। बच्चों जो वो व्यक्ति था, वो आदमी था, वो मायूस नहीं हुआ, वो प्रसन्न हुआ, क्योंकि वो तो निजी कार्यालय में भी चपरासी की नौकरी कर रहा था और उसे यहाँ पर भी चपरासी की नौकरी मिली, लेकिन वो इस बात से खुश था कि उसे अपने बादशाह की सेवा करने का मौका मिलेगा, यानी कि अपने राजा की सेवा करने का मौका मिलेगा। लेकिन जो मंत्री था उसे ये बात बहुत बुरी लगी कि उसे चपरासी की नौकरी दी गई है। मंत्री जब उसे कार्यालय में छोड़ने गया तो वहाँ धूल ही धूल थी, क्योंकि बादशाह वहाँ न कभी जाते थे और न काम करते थे। मंत्री दुखी हुआ पर युवक खुश था। अब क्या हुआ बच्चों कि जो मंत्री था वो उस व्यक्ति को, उस आदमी को
कार्यालय में छोड़ने गया तो वो वहां पे क्या देखता है कि वहां पर सब जगह धूल ही धूल, यानी कि मिट्टी ही मिट्टी थी, क्योंकि जो बादशाह थे वो कभी वहां पर नहीं गए थे उस कार्यालय में, और ना ही वहां पर कभी काम करते थे। मंत्री ये सब देखकर बहुत दुखी हुआ कि यह जो है जिस कार्यालय में काम करेगा वहां सब मिट्टी है, लेकिन जो वो युवक था वो बहुत खुश हुआ। उसने अच्छा स्थान दिलाने के लिए मंत्री के प्रति कृतज्ञता भी प्रकट की, यानी कि उसको कहा कि तुमने मेरे लिए भलाई का कार्य किया है। वो युवक मंत्री की कृतज्ञता प्रकट के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है, यानी कि आभार प्रकट करता है। युवक ने लगातार कई दिनों तक उस कार्यालय की साफ सफाई करके उसे शाही कार्यालय का रूप दे दिया। अब क्या किया बच्चों, देखो उस युवक ने क्या चमत्कार किया कि वो जो कार्यालय धूल से भरा हुआ था उसने उस कार्यालय की साफ सफाई की और उसे शाही कार्यालय का रूप दे दिया, यानी कि जो राजा उस कार्यालय में कभी आता भी नहीं था उसने राजा के लिए उस कार्यालय को शाही कार्यालय बना दिया। उस कार्यालय में एक छोटी सी कोठरी थी। युवक ने उसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि पिछले कई सालों में बादशाह के पास बहुत से निजी पत्र आए थे, यानी कि जब उस व्यक्ति ने उस कार्यालय की सफाई की तो वो क्या देखता है कि उस कार्यालय में एक छोटी सी कोठरी बनी हुई है, और जब वो उस कोठरी की जांच पड़ताल करता है तो वो क्या देखता है कि बादशाह के पास कई पिछले कई सालों से बहुत से निजी पत्र आए थे। उनके लिफाफों का ढेर भी उस कोठरी में पड़ा था, यानी कि जिनमें पत्र डाले जाते हैं बेटा वो एनवलप होते हैं, तो वो लिफाफे जो थे उनका ढेर जो था उस कोठरी में ही पड़ा था, यानी कि कचरे की तरह। जैसे हमारे घर में कोई एक्स्ट्रा सामान होता है तो हम एक जगह बनाते हैं वहां पे इकट्ठा कर देते हैं, तो ऐसे ही राजा ने भी उस कोठरी में जो थे लिफाफे को डलवाया हुआ था। उनमें से बहुत से लिफाफों पर सोने की पच्चीकारी थी, यानी कि उन पर जो था उन लिफाफों पर जो सोने की थी पच्चीकारी की हुई थी। ठीक है, तो वहां पर जब वो देखता है और रत्न जड़े थे, यानी कि जो वो लिफाफे थे उनके ऊपर वो था ना पच्चीकारी होता है जो रत्न लगाए जाते हैं पत्थरों पर, नगीने, रत्न, धातु, छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं ना उनको बोलते हैं पच्चीकारी। तो मतलब उनमें डायमंड जैसे बोलते हैं डायमंड्स वगैरह के या कुछ इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े लगे हुए थे उसके ऊपर। ये वे लिफाफे थे जो विवाह आदि के शुभ अवसरों पर दूसरे बादशाहों और अमीर उमरावों के यहाँ से आए थे। यानी कि ये लिफाफे कैसे थे, ये आम व्यक्तियों द्वारा दिए हुए लिफाफे नहीं थे, ये वो लिफाफे थे बच्चों जो दूसरे राजा बादशाह जो थे अपने घर में विवाह के उत्सव पर उनमें पत्र डालकर भेजते थे या अमीर उमरावों के यहाँ भेजे जाते थे। युवक ने कारीगर लगाकर सब कीमती सामान लिफाफों से उतरवा लिया और बाजार में बेच दिया। अब क्या किया उसने, उस युवक ने कुछ लोगों को अपने साथ लगाया और उन कीमती जो सामान था उन लिफाफों के ऊपर उन्हें उतार लिया और उसे बाजार में बेच दिया। बिक्री से आई रकम में से कुछ रुपए तो उसने बढ़िया फर्नीचर और चित्र आदि लगाने में खर्च किए, यानी कि जो उसने वो रत्न थे टुकड़े रत्नों के धातुओं के उसने क्या किया उनको बाजार में बेचा, और उन पैसों से बाजार से वो क्या लाया, फर्नीचर और कुछ पिक्चर्स लगाया। ठीक है, यानी कि उस पर खर्च कर दिए उसने, और बाकी सरकारी खजाने में जमा कर दिया, यानी कि बाकी जो पैसे बचे थे वो उसने जो सरकारी खजाना था उस राज्य का उसमें जमा करा दिए। जहां वह सामान बिका उसकी भी रसीद ली और जहां से यह सामान खरीदा गया उसकी भी, यानी कि जो सामान उसने बेचा उसका भी बिल लिया और जो सामान उसने खरीदा उसका भी बिल लिया, यानी कि बहुत ईमानदारी के साथ कर्तव्य निष्ठा के साथ उसने काम किया। अब वह स्थान सचमुच शाही हो गया। शाही होता है जहां पर राजे महाराजे आकर बैठते हैं। ठीक है, चुगलखोरों ने बादशाह से उसकी शिकायत कर दी
कि वह रुपया लुटा रहा है। एक दिन बादशाह गुस्से में भरे वहां आए तो देखकर दंग रह गए। यानी कि जब दूसरे जो लोग होते हैं ना बेटा, किसी को अच्छा काम करता देखकर वो प्रसन्न नहीं होते। उन्होंने क्या किया, उन्होंने राजा को उस युवक के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और राजा से शिकायत की कि यह जो है हमारे राज्य का पैसा लुटा रहा है। तो एक दिन बादशाह जो है गुस्से में वहां आते हैं और उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर भी उन्होंने तेज आवाज में पूछा, यानी कि ऊंची आवाज में पूछा, तुमने ये सजावट किसके रुपयों से की? वो कहते कि जो तुमने इस कार्यालय को सजाया है, इसके जो सामानों इसमें प्रयोग किया गया है, साजो सामान इसमें प्रयोग किया है तुमने, इसके लिए रुपये कहाँ से आए? तो वह युवक क्या कहता है, यही के रुपयों से हजूर। कहता है आपके रुपये थे हजूर। कहकर उसने रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई और खजांचे से गवाही दिलाई कि सामान खरीदने के बाद बचा हुआ रुपया खजाने में जमा किया गया है। यानी कि जो वहां का कैशियर था, कोषाध्यक्ष था, उसको उन्होंने राजा के सामने पेश किया और कहा कि जो रद्दी पड़ी थी उसको मैंने, उसके लिफाफे के ऊपर जो रतन जड़े हुए थे उनको बेचकर ये सामान खरीदा और जो पैसे बचे थे उसके पश्चात वो मैंने सरकारी खजाने में जमा करा दिए। बादशाह बहुत खुश हुए और उन्होंने उस युवक को अपने राज्य का वित्त मंत्री बना दिया। वित्त मंत्री मतलब फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया उसको। बादशाह जो थे उसके काम को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अब क्या हुआ, जब बादशाह ने उसे वित्त मंत्री बना दिया तो दूसरे मंत्री इससे परेशान हुए, क्योंकि न वह बेईमानी करता था और न करने देता था। जो भी मंत्री बादशाह के पास जाता किसी न किसी बहाने उस युवक की शिकायत करता, जिससे कि वह बादशाह की नजरों से गिर जाए। अब क्या था बच्चों, वो जो युवक था जिसको वित्त मंत्री बनाया गया था, देखो उसको चपरासी की नौकरी पर रखा था, लेकिन उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसकी कर्तव्य निष्ठा को देखकर बादशाह ने उसे वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया था। अब जो बाकी मंत्री थे वो देखकर परेशान हो रहे थे, क्योंकि वो जो वित्त मंत्री बना युवक था वो न तो बेईमानी करता था और न ही किसी को करने देता था। और अब मंत्री क्या करते थे, बादशाह के पास किसी न किसी बहाने से जाते और उसकी शिकायत करते थे कि वो इस तरह बेईमानी कर रहा है, मतलब उसके अगेंस्ट राजा को भड़काते थे। एक रात 2 बजे बादशाह ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा, हमारे सब मंत्रियों को उनके घरों से उठाकर इस कमरे में ले आओ और हाँ, वे जिस हालत में हो उसी हालत में लाए जाए, समझ लो हमारे हुक्म को। अब राजा क्या हुक्म देता है, अपने सेनापति को बुलाता है और क्या कहता है कि जितने भी हमारे मंत्री हैं उन सब के घर जाओ, उन सब को उठाकर ले आओ, वो जिस भी कंडीशन में हैं, जिस भी हालत में हैं, उनको ले आओ, ये मेरा ऑर्डर है, यानी कि मेरा हुक्म समझ लो। अगर कोई पलंग पर सो रहा हो तो उसे पलंग सहित ज्यों का त्यों लाया जाए, और कोई कालीन पर बैठा चौपड़ खेल रहा हो तो उसे कालीन समेत लाया जाए। यानी कि जो जिस कंडीशन में है उसको उठने ना दिया जाए, उसको एज इट इज ही महल में पेश किया जाए। अब क्या होता है बच्चों, कोई 1 घंटे में सब बादशाह के कमरे में आ गए, यानी कि 1 घंटा लगा जो उस बादशाह के मंत्री थे सब उसके पास पहुंच गए थे। 8 में से 7 मंत्री जो थे नशे में थे, उनमें से कुछ जुआ खेल रहे थे। वित्त मंत्री जी एक चौकी पर बैठे दिए की रोशनी में कोई कागज देख रहे थे। सब मंत्री बहुत लज्जित हुए। अब क्या था बच्चों, सारे मंत्री 1 घंटे के अंदर राजा के महल में पहुंच गए, उसके कमरे में पहुंच गए। जो 8 में से 7 मंत्री थे वो नशे में थे, यानी कि उन्होंने ड्रिंक की हुई थी। उनमें से कुछ जुआ खेल रहे थे, ठीक है, और वित्त मंत्री जी एक चौकी पर, यानी कि चौकी पर बैठे थे और लाइट की रोशनी में कोई कागज देख रहे थे। जो सब मंत्री थे वो बहुत लज्जित हुए, यानी कि बहुत शर्मिंदा हुए। बादशाह ने वित्त मंत्री से पूछा, जनाब रात के 2 बजे किस कागज में उलझे हुए थे? अब महाराजा वित्त मंत्री से क्या कहते हैं
कि तुम रात को 2 बज चुके हैं और तुम इस कागज में क्यों उलझे हुए हो। वित्त मंत्री ने उत्तर दिया। वो क्या रिप्लाई करता है, कहते हुजूर यानी कि बादशाह, दूर के इलाकों से इस साल का जो राज कर आया है उसमें पिछले साल से 1 पैसा कम है। राजकर होते बेटा, पहले जो होते थे लोग अपनी फसल का जैसे टैक्स देते हैं ना, तो टैक्स देते थे वो अपने राजा को। कहते कि पिछले साल से 1 पैसा कम है, इसलिए बार बार देख रहा था कि जोड़ में भूल है या सचमुच पैसा कम है। वो कह रहा, क्या कहता है वित्त मंत्री, कि टोटल में मिस्टेक हुई है या सच में 1 पैसा कम आया है, यह मैं बार बार देख रहा था। बादशाह ने अपनी जेब से 1 पैसा फेंक कर कहा, लो अब हिसाब ठीक कर दो और जाओ आराम करो। अब राजा क्या कहते हैं, अपनी पॉकेट से 1 पैसा निकाल कर उसको देते हैं और कहते हैं अपना हिसाब इक्वल कर लो और तुम जाकर आराम कर लो। अब वित्त मंत्री ने नम्रता के साथ पैसा वापस करते हुए कहा, हुजूर पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है और उसके लिए पूछताछ न हुई तो इससे अफसरों के काम में ढील और उनके मन में बेईमानी पैदा होगी। देखो बच्चों कितना अच्छा जवाब दिया अब उस मंत्री ने। वो क्या कहता है, कहता है बात 1 पैसे की नहीं है, 1 पैसा तो मैं अपनी तरफ से भी डाल सकता था, लेकिन बात आती है कि जिन अफसरों ने काम किया है अगर हम ये पैसा डाल देंगे तो वो जो है लापरवाह हो जाएंगे और उनके मन में बेईमानी पैदा हो जाएगी। क्या कि आज 1 पैसा डाल दिया है, कल को अगर हम 2 पैसे गड़बड़ करेंगे तो 2 पैसे डाल देंगे। वित्त मंत्री मतलब कुछ भी पैसे डाल सकता है, तो वो बेईमानी करने के लिए और भी उत्सुक होंगे। तो कहता है कि ये मैं पैसा आपसे नहीं लूँगा। बादशाह बहुत खुश हुए और उन्होंने उस युवक को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। सॉरी, अब क्या हुआ बच्चों, वित्त मंत्री के उस कार्य को देखकर बादशाह उससे बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे अपना प्रधानमंत्री बना लेते हैं। तो बच्चों आपने देखा और इस पाठ में पढ़ा कि किस प्रकार एक युवक चपरासी की नौकरी से वित्त मंत्री और वित्त मंत्री से प्रधानमंत्री के पद पर आता है। वो सब संभव हुआ उसके परिश्रम, उसकी ईमानदारी, उसकी मेहनत और उसकी कर्तव्य निष्ठा से। तो बच्चों हमें इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि यदि हमें अपना स्थान स्वयं बनाना है तो उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी, कर्तव्य निष्ठा का पालन करना होगा, यानी कि ऑनेस्टली ईमानदारी से अपने कार्य को पूरा करना होगा। यह नहीं कि कोई देख रहा है तो हम अपना कार्य करें और यदि कोई नहीं देख रहा तो हम अपने कार्य में गड़बड़ कर दें। तो हमें अपना कार्य जो है सही तरीके से करना चाहिए।